गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 4, जिसका नाम है त्योहारों का देश, के बारे में अध्ययन करेंगे। त्योहारों का देश मतलब भारत, भारत मतलब भारत के अंदर हर महीने में एक ना एक त्यौहार तो आता ही रहता है, अर्थात अपन इसके बारे में आज अध्ययन करते हैं। चलो देखते हैं क्या लिख रहा है। देखो, हुलस रहा माटी का कण कण, हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है। अर्थात हुलस रहा मतलब गर्म हो रहा है, हुलस ना होता है ना कि गर्म हो जाता है, सूर्य की किरण से पृथ्वी बिल्कुल गर्म हो जाती है, हुलस जाती है। माटी का कण कण मतलब मिट्टी का एक एक कण क्या हो गया है, गर्म हो गया है। उमड़ रही रसधार है, रसधार रसधार अपन कह सकते हैं पानी, नदियाँ, ये सब क्या है, रस की धारा, ये उमड़ रही है मतलब उछाल कर रही है। त्योहारों का देश हमारा, त्योहारों का देश हमारा मतलब हमारा जो भारत देश है वो क्या है, त्योहारों का देश है। हमको इससे प्यार है और हमें इससे क्या है, बहुत प्यार। आगे चलते हैं। मन भावन सावन आते, मन को भाने वाला सावन, सावन का महीना आता है ना जिसमें बारिश होती है, ठीक है, बहुत ही अच्छा मौसम रहता है, वो क्या कहता है, मन को भा जाता है, हरियाली छा जाती है। और सावन के महीने में क्या हो जाता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है, बिल्कुल सुहावना मौसम हो जाता है, बारिश आती रहती है और बिल्कुल ठंडा मौसम हो जाता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है। राखी के दिन वहीन खुशी से फूली नहीं समाती है, और राखी के दिन, राखी आती है ना भाई बहनों का त्यौहार, उसके दिन बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए आती है, तो खुशी के मारे फूली नहीं समाती है, घर बाहर झूले ही झूले। और सावन के महीने में क्या होता है, घर घर में झूले लग जाते हैं, बाहर पेड़ पौधों पर झूले लगा लेते हैं और क्या करते हैं, उन पर झूलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। गाते राग मल्हार है और मल्हार के गीत सावन के महीने में गाते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार, हमारा देश त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत ही प्यार, ये हमें जान से प्यारा है। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, आज़ादी मतलब 15 अगस्त के दिन क्या, तिरंगा, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज घर घर पर क्या कहराता है, लहराता है। करते हैं ना अपन ध्वजारोहण स्कूलों में, अपने घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है, और इस दिन हमें क्या याद आती है, हमारे जो वीर शहीद हुए हैं, हमें आज़ादी दिलाते 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 हुए जिनकी बहुत ज़्यादा बलिदान है, बहुत ज़्यादा सहयोग है, उन सब की हमें इस दिन क्या आती है, याद आती है। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, और हमारा मन भावों से मतलब भावनाओं से बहुत ही ज़्यादा भर जाता है, हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं उन भावों को देखते हो कि हमारे लिए, हमें आज़ादी दिलाने के लिए वीर शहीद हो गए थे, और माँ की जय जयकार और हमारी भारत माता की जय जयकार करते हुए वीर शहीद हुए। आगे देखिए। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, हमारा देश त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत ज़्यादा लगाव है, प्रेम है, प्रीत है। आगे चलते। आता है हर वर्ष दशहरा, हर वर्ष क्या आता है, दशहरा आता है, होते खेल तमाशे हैं, और क्या होते हैं, खेल तमाशे होते हैं, चकरी झूला वगैरह बहुत सारे मतलब मेला लगता है, खेल दिखाने वाले आते हैं, ये सब होता है। दिवाली पर दीपदान फूल झड़िया खील बतासे हैं, और दिवाली पर हम क्या करते हैं, दीप जलाते हैं, दीपों का दान करते हैं, फूल झड़िया जलाते हैं और खील बतासे हैं मतलब बतासे खाते हैं, ये सब काम करते कि नहीं करते, नए नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है। आगे चलते।
धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। और दिवाली के दिन सबसे अच्छा क्या करते हैं हम, धूम धड़ाके से क्या करते हैं, पटाखे चलाते हैं, बहुत आवाजी करते हैं पटाखों की और खूब मौज मस्ती करते हैं। ये होगी अपनी दिवाली। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो त्योहारों का हमारा देश है भारत, इससे हमें बहुत ज़्यादा लगाव है। आगे चलते हैं। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, और उसके बाद में दिवाली के बाद में क्या आती है, ईद। और ये ईद हमें क्या देती है, भाईचारे का संदेश देती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, लड़ाई दंगे नहीं करने चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए। मीठी खीर सवैया सबके मन को भाती है। और ईद के दिन क्या बनता है, मीठी खीर बनती है, सवैया बनते हैं और ये सबको मन को लुभाते हैं। फिर देखिए ईद के बाद में अपने देश में कौन सा त्यौहार आता है, खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं। फिर क्या होता है, क्रिसमस का महीना स्टार्ट हो जाता है दिसंबर में और क्रिसमस का त्यौहार आ जाता है, जिसमें क्या करते हैं सेंटा क्लॉज बच्चों को त्यौहार मतलब बहुत सारे उपहार देते हैं, चॉकलेट वगैरह सब कुछ, तो ये क्रिसमस का त्यौहार आ जाता है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। आगे चलते हैं। अभी क्रिसमस के बाद में अब देखिए क्या आता है, लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। आती ही नहीं आती, दिसंबर में क्रिसमस खत्म हो जाता है उसके बाद में 26 जनवरी आती है। ये हमें क्या संदेश देती है, लोकतंत्र की झांकी ले, अर्थात लोकतंत्र मतलब देश का एक इकट्ठा हुआ रूप, देश की दृढ़ता, देश की शक्ति, इस पर ही टिकी हुई है लोकतंत्र, ठीक है। ये 26 जनवरी हमें बतलाती है। बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है, और बसंत ऋतु में फूलों की अच्छी अच्छी खुशबू हमारी झोलियों में भर जाती है, अर्थात हमें बहुत ही सुगंधित बसंत ऋतु में फूलों की खुशबू आने लग जाती है, फूल खिलने लग जाते हैं, झोली में भर जाती है। आगे देखिए, होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है। और अब क्या, कौन सा त्यौहार आता है, होली का त्यौहार आता है, जिसमें अपन क्या करते हैं, ढोल मंजीरे बजाते हैं, खूब मस्ती करते हैं और रंगों की बौछार, रंगों को उड़ाते हैं, एक दूसरे के रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं। ये सब होली के दिन करते ही नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। देखिए बच्चों, आज हमने त्योहारों के बारे में जाना कि हमारे देश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। 15 अगस्त आती है, दिवाली आती है, उसके बाद में ईद आती है, उसके बाद में क्रिसमस आता है, क्रिसमस के बाद में बसंत ऋतु आती है, ये सब के बारे में अपन ने जाना। अब मैं आपको बता दूँ, ये पाठ अपना समाप्त होता है। यदि आपको इस पाठ में कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि हमें हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।